क्या हुआ कमाल? सब खैरियत तो है ना? काफी परेशान लग रहे हो। नहीं, ये कैसे लोग होते हैं दुनिया में? क्यों, क्या हुआ? ये देखो, ज़ोया के अलावा किसी और के साथ घर नहीं बसा सकता। चली गई, सब कुछ चला गया, सब कुछ। मैं सारी रात तुम्हारा इंतजार करती रही हूँ, तुम कहीं और जाकर सो गए? ये सलूक करोगे तुम मेरे साथ? कम से कम मैं कसूरवार नहीं हूँ किरण, इस सब का। कौन है कसूरवार? मैं हूँ कसूरवार क्या? किरण, मुझे नहीं पता, प्लीज। तो किसको पता होगा सर? देखो किरण, तुम अच्छी तरह जानती हो कि मेरे दिल में कौन बसता है। अगर ऐसे ही था तो तुमने मेरे साथ निकाह क्यों किया? निकाह? किरण, पप्पो ने मुझे इतना मजबूर कर दिया था कि मुझे निकाह करना पड़ा। तो ये मजबूरी का रिश्ता है? हाँ, हो सकता है। तुम अपने किरण से इस तरह से बात करो? अपनी किरण से? किरण, किसी को अपना कहने में और अपनाने में जमीन आसमान का फर्क होता है। शायद पूरी रात सोई नहीं, सो जा। और तुम सो गए थे? हाँ, मैं सो गया था। और प्लीज, तुम अपने इन जज्बात को काबू में रखो। ये मेरी पहली शादी है हसन। तो मेरा क्या कसूर है? Excuse me. हसन, हसन। अभी मैंने कुछ सामान की लिस्ट बना दी है, अगर आप इजाजत दें तो मैं ताशा के साथ जाके ले आऊं। अरे तुम रहने दो, मैं चला जाऊंगा ताशा के साथ। और सोच लो कुछ रह ना जाए। हाँ ठीक है, फिर आप लोग नाश्ता कर लें, उसके बाद आप लोग जाके ले आइएगा। अभी क्या सोच रहे हैं आप, क्या हुआ? ये जो सब कुछ हो रहा है ना, तैमूर के घर वालों का आना, तुम्हारी तलाक पे पर्दा डाले रखना, आप मेरा समीर मुतमईन नहीं है। नहीं, जो बात गलत है वो गलत है ना। कल को ये बात खुल गई तो फिर? अगर कल ये बात खुल भी गई तो कल देखा जाएगा। मुझे यकीन है कि तब तक मैं रमजी को ढूंढ लूंगी और सब पर्दे फाश हो जाएंगे। जब मेरा कोई कसूर ही नहीं है तो हम क्यों डरें? आप फिक्र ना करें, तब तक सब रिजॉल्व हो जाएगा। क्या जरूरत है कि हम इस वजह से साशा की शादी डिले करें? कोई वजह है कि तैमूर ने हमें खामोश रहने को कहा है? मेरा कुछ तजुर्बा है जोया, ऐसी बातें ज्यादा दिन तक छुप नहीं सकती। एक रिश्ता मैंने अपने दिलो दिमाग से उखाड़ के फेंक दिया है, जिसका तस्वर मैं खुद नहीं करना चाहती। इसका तस्करा कोई और भी करे मुझे पसंद नहीं, और करे भी क्यों? अरे क्या हुआ है, किसी ने कुछ कहा है तुम्हें? कुछ नहीं, हिम्मत से जीने की वजह मिल गई। किसी ने कुछ कहा है तुम्हें, बताओ। अभी क्या क्या नहीं करके दिखा दिया। आप प्लीज सामान ले आइएगा। क्या
क्या मेरी बेटी और दामाद अपने कमरे में नाश्ता करेंगे? जी जी, और अगर आप जाके उनको अपने हाथ से खिलाएंगी तो वो और भी खुश हो जाएंगे। सुन रही हो फजीला, तुम क्या कह रही है? अरे तुम्हें भी अपने हाथों से खिलाया मैंने जब तुम इतने से थे, भूल गए? आज तो लड़की वालों की तरफ से नाश्ता आता है ना, मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा था आज आपने हलवा पूरी मंगवाई होगी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हसन कहाँ है? मुझे नहीं पता। क्या मतलब है तुम्हें नहीं पता? मैं जब नींद से जागी थी तो वो कमरे में नहीं था। बेटा उसे वक्त दो। अगर पहले वक्त दे दिया जाता तो ये सब ना होता। इंसानी नफ्सियात चाबी से नहीं चलती। अगर हम लोग हसन को सोचने का और वक्त देते तो वो मेंटली तौर पे रिलैक्स्ड होता और शादी के लिए तैयार होता। है मंसूर, देखो तो सही मेरी बच्ची का कैसे मुंह निकल आया। और तुम यहाँ पर बैठकर ना माहिर नफ्सियात की तरह से लेक्चर मत दो। अरे बताओ तो सही बेटा, क्या हुआ? लेक्चर नहीं, हकीकत बता रहा हूं। आपके पास अभी भी टाइम है, संभल जाओ और समझ जाओ। मंसूर बेटा, तुमने नाश्ता कर लिया ना? तुम्हारे कपड़े रेडी हैं, जाओ। जी। देखो बेटा किरण, हम निकाहनामे पर दस्तखत तो करवा सकते हैं लेकिन दिलों को मजबूर नहीं कर सकते, और दिलों में मोहब्बत तो अल्लाह की ज़ात ही पैदा कर सकती है। तुम बिल्कुल ठीक कह रही हो फजीला, लेकिन जरा मेरी बच्ची के बारे में तो सोचो, इसके दिल पर क्या बीत रही होगी, कितने अरमान थे मेरी बच्ची के। पापा मैं तो खुद चाहती हूँ कि इनके घर बसे। और किरण बेटा जरा सब्र से, वो तुम्हारा शौहर है, जरूर पलटेगा। अरे हाँ बेटा, जोर जबरदस्ती से ये काम नहीं हुआ करते। देखो तुम उसका ख्याल रखो, उसकी पसंद का नापसंद का, और जब वो आए तो जरा बन संवर के रहो, अच्छे कपड़े पहनो। तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। आप मुझे बताएं मेरा कसूर क्या है, किस चीज की कमी है मेरे अंदर कि वो मेरी शक्ल देखने का भी रवादार नहीं? सारी रात तो वो मुमानी चांद के कमरे में आए। हाँ फजीला, जो इतना मेरी बच्ची को समझा रही हो ना, अरे जरा अपने बेटे को भी समझाओ। किरण बेटा, एक रात गुजर गई तो क्या होगा? अरे तुम देखना कुछ भी हो जाए, सूरत तो उसे तुम्हारी देखनी है ना। और बेटा तुम कोई दुनिया की पहली लड़की तो नहीं हो जो इस कर्म से गुजर रही हो। अर्द कुछ भी कर ले, हमेशा घर ही वापस आता है। तो अगर वो घर को घर न समझे फिर? बेटा अगर कोई इंतजार करने वाला हो तब भी आ जाता है। और ये मंसूर भाई, मैं नहीं जानती मुमानी जान, ये कभी चाहते ही नहीं थे कि मेरी शादी हसन से हो। इनको हक किसने दिया कि मेरे हर मामले में टांग अड़ाए? किरण बेटा तुम किसका गुस्सा किस पर निकाल रही हो? खुद को संभालो बेटा। और मंसूर अपने भाई से बैर क्यों करेगा, वो क्यों करेगा ऐसा? और आपा ऐसी बातों का ढंडोरा नहीं पीटा जाता, आप समझाएं इसे वरना बात बिगड़ भी सकती है। तुम्हें हसन की जिद थी ना, और अब वो जिद कर रहा है। जिद में जुड़े हुए रिश्ते तालमेल नहीं खाते। अरे कान पकड़वा कर निकाह तो पढ़ाया जा सकता है लेकिन दिल तो नहीं जोड़ा जा सकता ना। और वैसे भी मियां बीवी का रिश्ता बहुत नाजुक होता है, इसीलिए कह रही हूं ध्यान से किरण, अभी वो तुमसे भाग रहा है। अरे कहीं ऐसा ना हो कि वो भाग ही जाए। लेकिन मैं उससे प्यार करती हूँ मम्मी। अरे अहमक, उससे भी तो प्यार होने दे। अरे तू इश्क किए जा रही है और वो भागा चला जा रहा है। और सुन, ये वक्त रोने पीटने का नहीं है,
शिकरे की तरह से आंखें लगा के रखने का है। अरे कहीं ऐसा ना हो कि वो फिर से भाग जाए पुराने इश्क के पीछे। लेकिन अम्मी वो तो मेरा है, मैं उसे घर वापस ले आऊंगी, जो घर मैंने बनाया उसे मैं बचाऊंगी भी, बस आप मेरे लिए दुआ कर। आप मुझे बताएं ऐसी होती है दुल्हन। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं हॉस्पिटल से बात कर रही हूँ, मिस जोया से बात करनी है। जी जोया बोल रही हूँ। आप रमजी का पूछने आई थी ना मैडम? हाँ, क्या वो आ गया? जी वो आ गए हैं। अच्छा, कहाँ है? हॉस्पिटल में। ठीक है, मैं कुछ देर में आती हूँ। हाँ जोया, खैरियत? सब ठीक है। वो रमजी जिस हॉस्पिटल में काम करता था उसने वहाँ दोबारा ज्वाइन कर लिया, वो इस वक्त वहीं है। मैं अभी और साशा कोई बात बताऊंगी तो वो परेशान हो जाएंगे, मुझे कभी नहीं जाने देंगे। तुम प्लीज मेरा काम करो और मेरे साथ चलो, प्लीज मुझे उससे बात करनी है। तो यार एक्चुअली मैं एक इम्पोर्टेंट मीटिंग में हूँ यार, मैं अभी नहीं आ सकूँगा। प्लीज कमाल, प्लीज एक तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकते हो। ओके, तुम आप पहुंचो हॉस्पिटल, मैं वहीं आ रहा हूँ। ठीक है, शुक्रिया। शुक्रिया की क्या बात है, मैं तो हर हाल में तुम्हारे साथ। मानी वो कि आप मुझे खुद बताएं ऐसे होते हैं क्या शोहर, वो मेरा फोन ही नहीं उठा रहे। मेरी बात हो चुकी है हसन से। आपकी कॉल रिसीव कर ली उसने? मानी आप मुझे अपना फोन दे, मैंने कल रात से हसन की आवाज नहीं सुनी, मैं उसकी आवाज सुनना चाहती हूँ, प्लीज कॉल कर। हाँ ले लो। अगर मुझे नाराज है मैं मना तो सकती हूँ उनको। जी अम्मी बोले। किरण बात कर रही हूँ। तुम और अम्मी के नंबर से? तो आप मेरे नंबर से फोन नहीं उठाएंगे तो मैं अम्मी के नंबर से करूंगी ना। बोलो किरण, क्या काम है? हसन आप किधर हैं? कल रात से आपको मैं फोन कर रही हूँ। आप प्लीज घर आ जाए, आप मुझे आप अभी यहाँ घर पे जाइए, मंसूर भाई सारा काम कर लेंगे। हसन क्या हुआ? लाइन काट दी। मसरूफ होगा। आपने उसे कुछ सिखाया नहीं? आप उसकी माँ हैं, आपको उसको डांटना चाहिए कि वो मेरा फोन कैसे काट सकता है। रात को वो मुझे इस तरह से छोड़ गया। कहाँ गए आपके मैनर्स? कहाँ गई आपकी माँ? आपने उसे सिखाया नहीं कि बीवी की भी इज्जत करते हैं? होनी तो चाहिए, जो इज्जत कभी मेरे शौहर ने मुझे नहीं दी, अल्लाह करे हसन तुम्हें दे दे। तो रोने ही नहीं खत्म होते। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? आपकी तारीफ। अरे तारीफ तारो साहब हो जाएगा, आप आए तो सही मेरे साथ। काम क्या है? अरे आए आए इधर आए। कौन है? मेरा नाम कमाल, मैं तुम्हें ये बताने आया हूं कि तुम्हारी जान को खतरा है, जितना जल्दी हो सके यहां से निकलो। कुछ समझ आई मेरी बात? मैं क्या कह रहा हूँ? मेरी जान की खतरा है? मैंने किया क्या है? 2 मिनट में जोया यहाँ पहुंचने वाली है, तुम मुझे अपना खैर ख्वाह समझो, तुम्हारी भलाई इसी में। जोया आप यहाँ आ रही है? मैं तो उनके पैरों में गिर के माफी मांग लूंगा, मैंने बहुत बुरा किया उनके साथ, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं अपनी सारी मजबूरियां उनको बता दूंगा, वो माफ कर देंगे मुझे। वो तुम्हें कभी माफ नहीं करेगी, तुम्हारी वजह से उसका घर तबाह हो गया,
माफी का टाइम खत्म, अब माफी का कोई कॉन्सेप्ट नहीं। और हसन का बाप वो भी तुम्हारी वजह से मरा, और जोया के साथ जो कुछ भी हुआ वो अलग है। जावेद साहब को मैंने नहीं मारा, ये बात कौन मानेगा? तुम्हारे खिलाफ पुलिस केसेस बनेंगे, क्योंकि तुम ही तो उन्हें दवाइयां देते थे। जेल काटोगे तुम, उम्र क्या है तो जाएगी तुम्हें। हाँ बताओ, इसके बाद तुम्हारी माँ और बहन का ख्याल कौन रखेगा, कौन उनका खर्चा पूरा करेगा? इसलिए बात याद रखो कि एक बार तुम जोया के हाथ लग गए तो पुलिस केस बन जाएगा, सड़ते रहोगे पूरी जिंदगी जेल में। मिला वो? नहीं जो है मुझे नहीं मिला, मैंने पूरा हॉस्पिटल छान मारा यार। ये कैसे हो सकता है कमाल, मुझे खुद कॉल आई थी हॉस्पिटल से। तुम अपनी तसल्ली कर लो। हसन को कितना काम है, और अगर है भी तो मंसूर बेटा तुम कुछ कर लो ना, अभी अभी उसकी शादी हुई है, उस पर इतना बोझ डाल दिया। अम्मी 5 बजे ऑफिस बंद हो गया था, बैंक के सारे काम मैंने कर लिए थे। हसन तो कुछ देर के लिए ऑफिस आया था। क्या, तो कहाँ होता है वो? अब उसका घर इस घर के बाहर बन गया। अम्मी आपको अलमास पप्पो की मैनिपुलेशन के आगे झुकना नहीं चाहिए था। क्या करती बेटा, उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। हाँ अब तो उनकी हालत बिल्कुल ठीक हो गई है, एक टेस्ट तक नहीं करवाया उन्होंने। अम्मी हसन को आप सब लोगों ने बेघर कर दिया, अब वो मुझसे कोई बात करे भी तो क्या करे, अपने दिल की कोई बात नहीं करता मुझसे। आखिर कब तक चलेगा इसे? पापा ने कागजात तो दे दिए ना, फिर सब कुछ। जी बिल्कुल दे दी, लेकिन उसकी पूरी कीमत वसूल की है उन्होंने। आप हमेशा उनके हाथों कठपुतली बनी रही हैं। अब करें इंतजार, बेटा तो आप ही का, बीवियां जितनी आए और चली जाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, नुकसान हसन का ही है। यू कुड हैव प्रोटेक्टेड। उनके रिलेशनशिप की वजह से अपनी तबीयत खराब मत करें। देखिए मम्मी, अब जो भी है जैसा भी, किरण और हसन को सॉर्ट आउट करने दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्लीज मेरी रंजी से बात करा सकती हैं? जी मैं कॉल करती हूँ। उनका नंबर तो बन जा रहा है, मैं वार्डन से पूछती हूँ। हम खुद ढूंढते हैं, चलो। तुम परेशान मत हो जाए, वो कभी ना कभी जरूर मिलेगा। कहाँ मिलेगा, कब मिलेगा अकमाल? ये आखिरी मौका था, इतना बड़ा शहर है, कहाँ ढूंढती फिरूंगी मैं आपसे, पता नहीं कब मिलेगा। क्यों, ये एक मौका था, और भी मौके मिलेंगे, तुम ना उम्मीद मत हो। नहीं मिलेंगे कमाल, कैसे मिलेंगे? मेरे दामन पे जो दाग लग रहा है ना, कभी साफ नहीं होगा। जो है तुम परेशान मत हो और चलो घर चलो। आप फिकर ना करें, वो बहुत कॉन्फिडेंट है। बेटा आग भड़काने के लिए एक चिंगारी काफी होती है, समझे? और उसके बाद फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है मामला। सीधी बात यह है कि आपके सौतेले बेटे तैमूर की जिस लड़की से शादी होने जा रही है उसकी बहन जोया को तलाक हो चुकी है। भाई आज हमारे आने के 2 रीजंस हैं, एक तो साहबजादे की बात पक्की करनी और दूसरा पिछली बार मुझसे जो कुछ नादानिस्ता तौर पर हो गया था उसकी तलाफी।
आई स्टिल रिग्रेट कि वो सब कुछ क्यों हुआ। आपने इतराफ किया, यही हमारे लिए बहुत है। वैसे भी हम बड़े दिल के लोग हैं, छोटी मोटी बातों का बुरा नहीं मनाते। ये तो आपका बड़ापन है। और बड़ा वही होता है जो किसी को कमतर ना समझे। ठीक कह रहे हैं आप, अल्लाह ने हम सबको एक ही मिट्टी से बनाया है। और सबसे अच्छी बात यह है कि जिस लड़की को मेरे बेटे ने पसंद किया है वो मेरी बहू बनने वाली है। अरे रोजी, शुरू कीजिए। आइए 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 प्लीज। आप बैठे बैठे। सर सर आइए। आज तो हम बात पक्की करने आए। आप लोग कोई अच्छी सी तारीख सोच लीजिए, तो अगली दफा हम तारीख लेने आएंगे। अरे जमाल भाई, तारीख की जहां तक बात है उस पर तो थोड़ा वक्त दीजिए आप हमें। टेक योर टाइम। चलिए भाई, अब जब बात पक्की हो गई है तो मुंह मीठा कराना चाहिए सबका। आज वैसे ही सबको खुश देख के मेरा मुंह वैसे ही मीठा हो गया। और आप शादी के खर्चों की बिल्कुल फिक्र ना कीजिएगा, हम सब कवर कर लेंगे। नहीं नहीं, हमसे जो कुछ होगा हम जरूर करेंगे। अच्छा तो तुम्हारे हस्बैंड किधर है? जी वो आज आ नहीं पाए एक्चुअली। असल में भाभी की इद्दत चल रही है ना, तो इसीलिए शायद वो नहीं आ सका। ओह आई अंडरस्टैंड। चलें, जब हम तारीख पक्की करने आएंगे तब मुलाकात हो जाएगी। तुम उनको हमारा सलाम जरूर दे देना। अब मुमताज, तुम मिठाई उठाई तो खिलाओ सबको। तुम आ गए हसन? हाँ। मेरी भी आंख लग गई थी तुम्हारा वेट करते करते। मुझे ये बताओ, आजकल तुम इतना लेट क्यों आते हो? कल भी लेट आए थे, सब खैरियत है ना? किरण, तुम्हें मेरा इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। क्या मतलब, किस तरह की बातें कर रहे हो? मैं नहीं इंतज़ार करूँगी तो कौन करेगा? मैं तुम्हारी बीवी हूँ हसन। प्लीज़ किरण, मुझसे बहस मत करो। बातों बातों में तो मैं तुमसे खाने का पूछना ही भूल गई। मैंने तुम्हारी पसंद की बिरयानी बनाई है, तुम्हें पता है ना तुम कितना जिद से मेरे हाथ की बिरयानी खाया करते थे। मैं अभी लगाती हूँ खाना। नहीं नहीं प्लीज, मैं खाना नहीं खाऊंगा। बस मुझे नींद आ रही है, मैं चेंज करके सोऊंगा। हसन, पहले तो हम रात देर तक जागते रहते थे, हम बातें करते थे, तुम तो मेरे बेस्ट फ्रेंड थे। आज भी सुन लो हसन, और देखो मेरी आंखों में, तुम तो हमेशा मेरी आंखों में देख के मेरी बात समझ आया करते थे। मैं जिसके लिए मर भी सकती हूँ तो जीने ही नहीं दे रहा मुझे। तुम्हें तो फुर्सत ही नहीं हसन, तुम मेरे पास और तुम मेरे हर सवाल का जवाब जानते हो। किरण, तुमने एक गलत इंसान से रिश्ता जोड़ लिया। ऐसी बातें नहीं करो हसन, मुझमें क्या कमी है? मैं घंटों तुम्हारा इंतजार करती रहती और तुम मुझसे बात तक नहीं करते। अगर तुम्हारे साथ कुछ ऐसा हो कि तुम सब कुछ पाकर खो दो तो तुम कैसा महसूस करोगे? होता है, हो चुका है, इसलिए मैं कहता हूँ प्लीज किरण, मेहनत मत करो। क्योंकि तुम बार बार सवाल करती हो, मैं बहुत शर्मिंदा होता हूँ। तुम्हें मेरा दर्द समझ आता है? आता तो होगा तुम्हें। आता है, आता है समझ।
चलें भाईजान, अल्लाह का शुक्र है सब अच्छे से हो गया। अब कोई अच्छी सी चांद की तारीख देख के शादी भी रख लेते हैं। जमाल साहब ने अपने पिछले रवैये पे माफ़ी मांग ली, ये बहुत बड़ी बात है, कोई नहीं करता। खैर से आज साशा की बात पक्की हो गई तो जोया बेटा तुम भी अपने बारे में कुछ सोचो। अभी तुम्हारी उम्र ही क्या है बेटा, क्यों नाकदरों के लिए बैठी हुई हो? नहीं पप्पो, मुझे इस बारे में कुछ नहीं सोचना, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। अरे रहने दो मुमताज, अभी उसने PhD करनी है, फिर वो जॉब करेगी, शादी वादी का कोई इरादा फिलहाल नहीं है उसका। तो क्या भाईजान सारी जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी? नहीं पप्पो, वैसे भी मैं और अभी यूरोप शिफ्ट हो रहे हैं और मैं अभी की बेटी थोड़ी बेटा हूँ। मैं तुम्हें और अभी को कहीं जाने नहीं दूंगी। भाई तुम्हारे लिए क्या मसला होगा, तुम तैमूर के साथ कभी भी हमारे पास आ सकती हो। चलो भाई तुम दोनों जहाँ भी रहो खुश रहो, मेरी तो बस यही दुआ है हमेशा से। अच्छा भाईजान अब हम चलते हैं। हाँ हाँ मुमताज, शुक्रिया बहुत बहुत। चलो कमाल घर चले बेटा। कमाल जी चले बेटा। हाँ हाँ चलो। अच्छा भाईजान अल्लाह अल्लाह खैर बेटा। आ जाओ बेटा। क्या जरूरत थी तुम्हें उनके सामने ये बात करने की, और यूरोप के बारे में झूठ क्यों बोला? अभी पप्पो वैसे भी बार बार एक ही बात दोहराती है, मैंने मामला ही खत्म कर दिया। नहीं पप्पो, मुझे इस बारे में कुछ नहीं सोचना, वैसे भी मैं और अभी यूरोप शिफ्ट। मेरा ख्याल नहीं है, क्या उनके पीछे कुत्ते की तरह घूम रहा होता हूं, और मोहतरमा को यूरोप जाना है। उसको ये बात क्यों नहीं समझ आती कि उसे घूम फिर के तो आना यहीं है इसी घर में। जितना मैं सीधे तरीके से चलने की कोशिश करता हूं तुम्हारे साथ, यार तुम मुझे क्यों मजबूर करते हो उल्टे तरीके पर चलने में? समझाना पड़ेगा, फिक्र मत कर, मैं तुम्हें समझाऊंगा। जरूर अल्लाह जानता है, पता नहीं मुझसे कौन सी ऐसी खता सरजद हुई है कि मेरी बेटी का नसीब भी मुझ जैसा ही है। आप कैसी बातें कर रही हैं आप? आपके शौहर ने आपको कब छोड़ा था? फजीला ये क्यों नहीं कहती कि मेरे भाई ने मुझे तलाक दिलवाई थी और मैं इस घर में अपने शोहर के बगैर रह रही थी। लेकिन मेरी बच्ची इस घर की छत के नीचे अपने शोहर के होते हुए अकेली रह रही है, क्या मेरी बेटी के साथ ये जुल्म नहीं है? पप्पू प्लीज ऐसी बातें मत करें। हसन ठीक कह रहे हैं, नहीं हसन तुम्हारी पप्पू सही कह रही है। एक मिनट अम्मी, हसन ये शादी तुमने अपनी मर्जी से की है तो उसको निभाना भी तुम्हारा फर्ज है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि बार बार इस मामले में अम्मी को क्यों घसीटा जा रहा है। भाई आप तो ना ही बोलो, आपने बड़े फर्ज निभाए जो आप मुझसे पूछ रहे हैं। हसन बेटा तुम्हारे इस रवैये से मेरे भाई की रूह बहुत बेचैन हो रही है। अरे मियाँ बीवी से बात नहीं कर रहा, भाई भाई से बात नहीं कर रहा, ऐसा कैसे चलेगा? फजीला तुम ही समझाओ ना इसे। एग्जैक्टली यही तो मैं भी कह रहा हूँ। हसन अम्मी कब तक ये समझने और समझाने का काम करती रहेंगी? अरे बेटा जिस दिन से निकाह हुआ है तुम एक बार भी मेरी बच्ची को कहीं बाहर घुमाने नहीं लेकर गए। हसन बेटा आज ऑफिस से जल्दी घर वापस आ जाना और किरण को कहीं घुमाने के लिए ले जाओ।
जिम। अरे बेटा मेरी बच्ची का दिल खुश हो जाएगा। मैं देखो ना मासूम कब से तड़प रही थी बेचारी। सीवी की टेंशन छोड़, इतनी अच्छी सीवी बनाऊंगा तुम्हारी कि देखते ही जॉब दे देंगे। इतनी सारी पिक्चर्स तुम्हें भेजी हैं, देख के बताओ ना कौन सी अच्छी है। सोई क्या हुआ? नहीं कुछ नहीं, मैं देख रही हूँ तुम्हारी पिक्चर्स और बताती हूँ। बताती हूँ क्या? अभी देखूँ ना और देख के बताओ जल्दी से। नहीं मैं देख लूंगी। इधर लाओ अपना फोन, इधर दो मुझे। सोई तुम कुछ छुपा रही हो मुझसे? इधर लाओ मुझे दो। हसन और किरण की शादी की पिक्चर्स। माय गॉड, ये कब हुआ जोई? पता नहीं, मुझे खुद कुछ नहीं पता। जोई इधर देखो, इधर देखो मुझे। जोई क्यों छुपाया मुझसे? मुझे इस लायक भी नहीं समझती ना कि अपना कोई दुख शेयर कर सको। मुझे कोई दुख नहीं है साक्षा, यही होना। देखो जोई, मुझे पता है तुम बहुत बहादुर हो, लेकिन ये बातें डिस्कस करने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है, इसमें कोई हर्ज नहीं है। साक्षा प्लीज मुझसे वादा करो, अभी को तुम कुछ नहीं बताओगे। ठीक है, मैं तुमसे वादा करती हूँ कि मैं अभी से कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन तुम भी एक वादा करो कि आज के बाद मुझसे कोई बात नहीं छुपाओगे, शेयर करोगी सर। हेलो जी, कौन? ये छोड़ें कि मैं कौन हूँ, आपको आपके मतलब की एक जरूरी बात बताना चाहता हूँ। क्या मतलब? आप हैं कौन और आपको मेरे मतलब से क्या? आपका मतलब बहुत दूर जाके मेरे मतलब से मिल जाता, इसलिए सोचा आपका फायदा करूं और इसी बहाने मेरा भी फायदा हो जाए। पहेलियां मत बुझाओ, सीधे सीधे बात करो। सीधी बात यह है कि आपके सौतेले बेटे तैमूर की जिस लड़की से शादी होने जा रही है उसकी बहन जोया को तलाक हो चुकी है। तुम कहना क्या चाह रहे हो? मैं आपको सच बता रहा हूं, डिवोर्स का कोई ना कोई रीजन तो होगा। उसका उसका किसी और मर्द के साथ अफेयर चल रहा था, और जब जब उसके शौहर को पता चला तो उसने खड़े खड़े उसे तलाक दे दिया। उसको ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हुआ। आई एम श्योर इस तरह के घर में रिश्ता जोड़ना आपके लिए बहुत बुरी बात समझी जाएगी। अच्छा तो तुम्हारा नाम क्या है? आपको काम की बात बता दी है मैंने, अब अपना काम। ऊंचा उड़ने की कोशिश कर रही थी अकेले, देखता हूं पर कटने के बाद कितना ऊंचा उड़ पाता। अरे माशाल्लाह माशाल्लाह किरण, ये रंग तुम पे कितना जच रहा है। अरे बहुत प्यारी लग रही है मेरी बच्ची, अल्लाह तुम्हें नजरे बद से बचाए। बस करें, आप तो मेरी माँ हैं, आपको तो मैं प्यारी लगूंगी। बात तो तब है ना जब मैं हसन को प्यारी लगूं। अरे ऐसी बातें मत करो किरण, तुम देखना हसन को भी तुम इतनी ही अच्छी लगोगी। अरे उसकी आंखों पे जो पट्टी बंधी हुई है ना, बस उसे थोड़ा सबक चाहिए उतरने के लिए। आखिर को उसकी आंखों से इस पट्टी को उतरना ही है। आप फिक्र नहीं करें, आज मैं उसे अपने होने का एहसास दिला कर रहूंगी। किरण तुम्हारा ये हौसला ही तुम्हें प्यार की नदी के उस पार लेकर जाएगा, इस हौसले को कभी हारने मत देना।
समझी? मानी जान, हसन ने कहीं आने से मना तो नहीं कर दिया? नहीं नहीं, तुम तैयार हो ना? बस वो आ रहा है। देखो तो सही, तैयार है बिल्कुल। भाई मैंने तो अपनी बच्ची को हर काम वक्त से पहले करने की आदत डाली है। अच्छी बात है आपा, बस आ ही रहा। किरण, आज हसन पर ऐसा जादू करना कि वो अपने दिल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा के लिए खोल दे। ऐसा ही होगा, आप फिक्र नहीं करें। मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। अभी इतना स्ट्रेस नहीं ले, आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आपके लिए ब्लड प्रेशर की दवा लाऊं? कोई जरूरत नहीं दवा लाने की, मैंने नहीं खानी दवाई। जब तुम लोगों ने सारे फैसले खुद कर लेने हैं तो मैं जिंदा रहकर क्या करूंगा? अबे प्लीज, ऐसी कोई बात नहीं है, जरूरत है हमें आपकी। और वैसे भी मैं बस रमजी को ढूंढने गई थी, अगर वो मिल जाता तो मेरी बेगुनाही साबित हो जाती। तुम क्या समझती हो बेटा, अब इस बात का पीछा करने का कोई फायदा नहीं है। फायदा है अभी, वैसे भी मुझे यकीन है कि एक दफा साशा की तारीख तय हो जाए तो तैमूर अपनी फैमिली को सब कुछ बता देगा। देखिए, आई अंडरस्टैंड योर रिजर्वेशंस, बट प्लीज इस वक्त आप समझें। आप फिक्र ना करें, वो बहुत कॉन्फिडेंट है। बेटा, आग भड़काने के लिए एक चिंगारी काफी होती है, समझे? और उसके बाद फिर वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है मामला। अभी आप तो हमेशा इतनी पॉजिटिव सोच रखते थे और हमें भी यही कहते थे कि हमेशा पॉजिटिव रहो। मेरी सोच नेगेटिव नहीं है बेटा, हकीकत पसंद आना है। मैंने ये बाल धूप में सफेद नहीं किए। अभी प्लीज, आप बस साशा की शादी के लिए कोई अच्छी सी तारीख सोच लें, उसके बाद मैं सबको सच बताने का कोई तरीका सोच लूंगी। लेकिन इस वक्त अपना मूड ठीक कर लें, वो घंटे भर में आने वाले हैं और हम दोनों को भी तैयार होना है। बड़ी फिक्र हो रही है। हाँ, इसको सबसे ज्यादा है। सोई, चलो चलो, तैयार हो जाओ। जाओ, चाय लाओ आप। नहीं नहीं, तुम तैयार हो जाओ, आप देर हो जाएगी। चलो चलो। हसन, मुझे लगता है इस गाड़ी में तुम्हारे अलावा तुम्हारी बीवी भी बैठी है, जिसे तुम दो बातें कर सकते हो। हाँ तो तुम बता दो कि क्या बात करूँ। आज मैं स्पेशली तुम्हारे लिए तैयार हूँ, पर तुमने मुझे देखा भी नहीं। अच्छी लग रही है। बस अच्छी लग रही है तो और क्या कहूँ किरण, गजल कहना शुरू कर दो प्लीज। अब ये उम्मीद मुझसे कभी मत रखना। क्या फायदा ऐसी तैयारी का कि तुम मुझे देखो भी ना। सोया, अगर तुम मेकअप ना करो ना तो तुम्हें इससे भी ज्यादा हंसी लगता। अभी भी यही कहती हूँ तो तुम कम और चुड़ैल ज्यादा लगोगी। कभी भी कोई अच्छी बात ना करना। इतना मैं तैयार हूँ कि तुम कुछ अच्छा कह दो, लेकिन नहीं। अब मैं क्या करूँ भाई, तुम्हें देखूं, तुमसे बातें करूं, क्या करूं? तुम बस रहने दो, इस सब तारीफें ना शादी से पहले की। नहीं यार, ऐसी कोई बात नहीं। ऐसी ही बात, अब मैं मिल गई हूँ ना तो मेरी कोई कदर नहीं रही। मैंने शादी से पहले कैसी मेरी बकवास सी पोएट्री लिखा करते थे, याद है? I was a fool. भाई मुझे पता ही नहीं था कि तुम मुझ पर मुझसे ज्यादा लड़ रहे हो, वरना मैं इतनी मेहनत ही नहीं करता।